हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। और बेटा, आज जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं केमिस्ट्री रिवीजन इंटेज डे में, आज है बेटा आपका जो टॉपिक मैंने लिया है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मेटलर्जी। इसको हम रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिवाइज करेंगे और फिर क्या करेंगे बेटा, मेटलर्जी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले साल्ट की। बेटा आपने पढ़ा होगा डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। तो देखो, डबल साल्ट उनको कहते हैं जो क्या करें, आयल्स आयंस का टेस्ट दें, ठीक है, सभी आयनों का टेस्ट दें, उनको हम कहते हैं डबल साल्ट। जो भी आयन साल्ट में प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन इट, जितने भी आयन प्रेजेंट है साल्ट में, उतने आयनों का टेस्ट दे, उनको हम कहते हैं डबल सॉल्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हो गया आपका कार्नेलाइट। कार्नेलाइट क्या होता है, KCl.MgCl2.6H2O, यही तो होता है, ये हो गया कार्नेलाइट। अगर बेटा इसको अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये आपका टेस्ट देगा पोटेशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, जितने भी इसके अंदर आयन है उन सबका ये देगा, ठीक है। इसके अलावा मोहर साल्ट, ये होता है फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट एंड 6H2, ठीक है, ये आपका मोहर साल्ट। ये भी किसका एग्जाम्पल है, डबल साल्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है, इतनी बात समझ गया। नेक्स्ट आता है आपका क्या, कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट किनको कहते हैं, ऐसे साल्ट, ऐसे यूनाइटेड साल्ट जो नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन इट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो क्या है, K4Fe(CN)6 का, ये हो गया। अब ये है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। बेटा जब इसको आप डिजोल्व करोगे तो केवल आपको पोटेशियम आयन मिलेगा और आयरन साइनाइड वाला आयन मिलेगा, केवल ये दो आयन मिलेंगे, ठीक है। जबकि इसमें देखो ये भी है, साइनाइड आयन भी है और पोटेशियम आयन है। अगर ये डबल साल्ट होता तो सभी आयनों का टेस्ट देता, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है इसलिए ये सिर्फ इसी आयनों का टेस्ट देगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीधा सीधा एक कॉम्प्लेक्स साल्ट के रिप्रेजेंटेशन की। जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स साल्ट ले लिया K4Fe(CN)6 का, और ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो जो बड़े ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो बेटा इससे लगा है, इसको हम बोलते हैं लीगेंड, और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन, और बेटा जो आउटर साइड है इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ये जो होता है कॉम्प्लेक्स स्फीयर, ये आयनाइज नहीं होगा बेटा, यही आयनाइज होता है, इसी वजह से इसको आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रल मेटल आयन के बारे में। तो कुछ चीज मैं बता दूं आपको कि जनरली जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं वो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्युमुलेट करना आसान होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड जितने बॉन्ड बनाता है, ठीक है, मान लो अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है, मैं आगे बताऊंगा मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन से मोनोडेंटेट लिगेंड जितना बॉन्ड बनाएगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। जैसे मान लो सेंट्रल मेटल आयन क्या है, कैल्शियम है, और इसमें हमने क्या ले लिया, अमोनिया ले लिया, और अमोनिया की वैल्यू 4 ले ली, तो बेटा ये मोनोडिनटेट है तो ये कैल्शियम से कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, और जब 4 बॉन्ड बनाएंगे तो बेटा ये क्या होंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है।
यहाँ कैल्शियम नहीं होगा, कैल्शियम की जगह कुछ भी डी ब्लॉक का एलिमेंट ले ले, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, आयरन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड 4 होते हैं। इतना समझ में आया। अब कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 2 हो या फिर 4 हो, तो उस केस में क्या होता है कि कुछ मेटले हैं वो डाई पॉजिटिव फॉर्म, जैसे ये है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, इसके अलावा कापर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। अगर मोनोवेलेंट अगर आपका सेंट्रल मेटल आयन है, तो जाहिर सी बात है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा या 4 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या होगा, सिल्वर प्लस का 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है और कॉपर का +4 है। बेटा ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, जनरली ऐसा पाया जाता है। सेकेंड केस है, मान लो अगर बाइवेलेंट है, तो बाइवेलेंट है अगर सेंट्रल मेटल आयन बाइवेलेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये देखो, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये आपके 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। जबकि बात करें मैंगनीज डाई पॉजिटिव आयन की, कोबाल्ट डाई पॉजिटिव आयन की, इसके अलावा निकिल डाई पॉजिटिव हो गया, इसके अलावा कॉपर एंड जिंक डाई पॉजिटिव, बेटा इन इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है और 6 भी, ये दो टाइप के वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें आयरन डाई पॉजिटिव की या फिर कैल्शियम डाई पॉजिटिव की, तो बेटा क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जनरली ये जनरल ऑब्जर्वेशन पाई जाती है। नेक्स्ट है, अगर मान लो जो आयन है वो क्या है, ट्राइवेलेंट है या फिर टेट्रावेलेंट है, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो पाया जाता है वो बेटा 6 होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे आयरन +3, कोबाल्ट +3, एल्युमिनियम +3, इसके अलावा क्रोमियम +3, सभी बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करेंगे। इसके अलावा निकिल +4, पैलेडियम +4 और प्लेटिनम +4, ये भी क्या करते हैं, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करते हैं, ठीक है। तो अगर ट्राइवेलेंट और टेट्रावेलेंट सेंट्रल मेटल आयन है, तो इसका मतलब है कि उसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। अब इसका हम कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैं करा रहा हूं आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लो क्या है, ये है प्लेटिनम अमोनिया 4 और ये है प्लेटिनम Cl4। अब पूछेंगे बताओ कि इस पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो बेटा यहां से तो दोनों न्यूट्रल न्यूट्रल समझ में आ रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स है, तो फिर प्लेटिनम का चार्ज कितना है, तो अभी मैं बताया हूं बेटा प्लेटिनम के चार्ज के लिए, कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो कर रहा है, तो प्लेटिनम और पैलेडियम जनरली +2 में पाया जाता है, तो बेटा यहाँ प्लेटिनम +2 में पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ +2 होगा और यहाँ -2 होगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज कितना होगा, ये होगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, जनरल ऑब्जर्वेशन से ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो या फिर सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज बता सकते हो आप, ठीक है। तो ये थे कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन। अब हम बात करेंगे लीगेंड्स की। लीगेंड्स क्या होते हैं, ये सभी आपको पता है, मैं बात करूंगा सीधा सीधा मोनोडेंटेट लिगेंड की। देखो जो मोनोडेंटेट लिगेंड है, आपको पता है वो क्या करेंगे, एक डोनर साइट होगी इनके पास और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया एंड ETC, ठीक है, ये हो गया मोनोडेंटेट लिगेंड। बात करते हैं सेकंड पे आपका क्या, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड मतलब इनके पास दो डोनर साइट होगी, जैसे क्या हो गया बेटा DMG। DMG को क्या कहते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है बेटा। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, ये होता है। और बेटा ये जो डोनर साइट है, यहां नाइट्रोजन होता है, इसलिए दो डोनर साइट है इसकी, ओके।
इसके अलावा बाइडेंटेट लिगेंड में और क्या हो सकता है, ऑक्सलेटो, इसको ओएक्स से करते हैं। इसके अलावा क्या, इथिलीन डाइएमीन, जिसको ई से डिनोट करते हैं। तो ये बेटा है कुछ जो एग्जांपल्स हैं किसके, बाइडेंटेट लिगेंड के। नेक्स्ट आता है आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, थर्ड इज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स उनको कहते हैं जो अपनी डोनर साइट को चेंज कर सके, चेंजेस दियर डोनर साइट। ये क्या करते हैं, अपनी डोनर साइट को चेंज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये क्या है, ये हो गया क्या बेटा, साइनेटो, ठीक है। लेकिन इसका एम्बीडेंटेट ये हो जाएगा, देखो इसमें इसका डोनर साइट क्या है, कार्बन है, जबकि इसमें इसका डोनर साइट नाइट्रोजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसाइनेटो। इसके अलावा NO2-, इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं नाइट्रो, या फिर इसको बोलोगे नाइट्राइटो एन। इसके अलावा ONO-, इसको या तो नाइट्राइटो बोलते हैं या फिर नाइट्राइटो ओ बोलते हैं। इसके अलावा और एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे आपके OCN-, इसको बोलते हैं बेटा साइनेटो, साइनेटो ओ, और इसका दूसरा होगा NCO-, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेटो या फिर साइनेटो एन, ठीक है। एक ये इसका नाम हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के। अब बात करते हैं हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स कौन होते हैं, तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जो वेरिएबल बैलेंसी शो करें, एग्जिबिट वेरिएबल बैलेंसी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया और इडिटा। देखो सल्फेट कभी मोनोडिंटेट की तरह बिहेव करेगा, कभी बाइडिंटेट की तरह। सेम कार्बोनेट भी कभी मोनोडिंटेट की तरह, कभी बाइडिंटेट की तरह। और जो इडिटा है बेटा, ये कभी पेंटाडिंटेट की तरह बिहेव करता है तो कभी हेक्साडिंटेट की तरह। तो ये अपनी डेंटिसिटी चेंज करता है, ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, ओके। अब यहाँ एडिटा के बारे में बात कर लें, तो बेटा या तो हेक्सा की तरह बिहेव करेगा या तो पेंटाडेंटेट की तरह। इसके अलावा एडिटा का यूज हम करते हैं टू रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम एडिटा का यूज करते हैं, ओके। अब एग्जांपल आता है नॉन क्लासिकल लिगेंड्स का, और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में दो लिगेंड्स है बेटा, एक है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर और दूसरा है आपका पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्या हो गया, कार्बोनिल, इसके अलावा CN-, इसके अलावा वो बेटा NO+, इसके अलावा R3P। ये क्या है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं, और पाई डोनर पाई में आ जाएगा बेटा साइक्लोपेंटेनाइम कैटायन, एक ये हो गया बेटा, बेंजीन हो गई आपकी, ये भी पाई डोनर पाई एक्सेप्टर है। इसके अलावा क्या है, इथाइलीन, ये भी पाई डोनर पाई एक्सेप्टर है, ठीक है। अब बेटा देखो, इन्हीं से रिलेटेड एक टर्म्स आता है, आपने पढ़ा होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है, और सिनर्जिक बॉन्डिंग का एग्जांपल है बेटा मेटल कार्बोनिल। जो मेटल कार्बोनिल होते हैं वो सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं, और ये एग्जांपल है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का। कैसे होता है देखो, मान लो कि सेंट्रल मेटल आयन है, तो इसके पास डी ऑर्बिटल होंगे, तो हमने डी ऑर्बिटल बना दिया।
मान लो ये डी ऑर्बिटल है और आपको पता है कुछ डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, फ्री होते हैं, कुछ ऑर्बिटल फुलफिल होते हैं। तो मान लो ये ऑर्बिटल डी का जो है वो क्या है, फुलफिल है, और जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है उससे आपका क्या कर रहा है, लिगेंड्स एक्ट कर रहा है। तो जैसे ये मान लो हमने क्या ले लिया, सीओ ले लिया लिगेंड्स, इसके पास भी क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो बेटा एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जब एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपको पता है दो पी ऑर्बिटल इसके खाली है। तो मैंने एक आर पी ऑर्बिटल को शो कर लिया है कि ये पी ऑर्बिटल इसका खाली है, ठीक है। अब ये बेटा क्या करेगा, बॉन्डिंग शो करेगा, सेंट्रल मेटल आयन को क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन देखो जैसे ही ये सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसी टाइम देखो ये जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल से क्या करने लगता है, बैक बॉन्डिंग शो करने लगता है, ठीक है। वैसे ही ये बैक बॉन्डिंग शो करने लगता है और इसी बॉन्डिंग को हम कहते हैं क्या, सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्लियर। अब इस सिनर्जिक बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखो जब ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा तो जाहिर सी बात है जो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड हमें सिंगल समझ में आ रहा था अब वो क्या हो गया, ये पार्शियल डबल कैरेक्टर आ गया इसका। ओके। दूसरा, ये जो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड था इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर इसका तीन है बेटा, वो बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगता है। रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, इधर मूव करने लगते हैं, बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगता है। तो जो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और कम होने से क्या फर्क पड़ेगा, देखो कम होने से क्या होगा कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाती है मेटल कार्बोनिल में, इसके अलावा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। पार्शियल डबल बॉन्ड बढ़ने से जो मेटल और कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड है इससे पार्शियल डबल कैरेक्टर आने की वजह से इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे समझ लिया। अब एक चीज और बताओ, सिनर्जिक बॉन्डिंग कब ज्यादा होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग तब ज्यादा होगी जब मेटल के पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी। यहाँ से देखो ये इलेक्ट्रॉन ही तो बैक बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, तो अगर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। तो बैक बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन का होना मस्ट है, मतलब अगर मेटल सेंट्रल मेटल आयन पे हमने अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ाया, मतलब हम कहें कि निगेटिव चार्ज हमने बढ़ाया, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी और सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ने से क्या होगा, मेटल कार्बोनिल का पार्शियल डबल कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। और जो कार्बोनिल बॉन्ड है इसमें इसका बॉन्ड बॉर्डर और कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके क्या, निगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल आयन पे निगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, और इस सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या होगा, जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और जो मेटल का और जो कार्बोनिल बॉन्ड है वो क्या होंगे, उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ कि मान लो कि मेटल का एक कोई कार्बोनिल है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.128 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए उसका जो मेटल कार्बोनिल में कार्बोनिल का जो बॉन्ड है सीओ बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, और ऑप्शन है बेटा ए बी सी एंड डी। ऑप्शन है बेटा 1.125 एंगस्ट्रॉम, 1.128 एंगस्ट्रॉम, और इसका है 1.36 एंगस्ट्रॉम, और तीसरा है बेटा कांट से, कुछ कह नहीं सकते। तो आप बताओ बेटा ये जो सीओ बॉन्ड लेंथ है ये तब है जब सीओ फ्री फॉर्म में है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तीन होगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, जितनी है उतनी होगी। लेकिन यहाँ मेटल कार्बोनिल में क्या होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग, और सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर जो है
वो सीओ बॉन्ड का कम होगा मतलब उसकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। और बेटा देखो ये जो बॉन्ड लेंथ है इससे इसमें इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो इन चारों ऑप्शनों में देख लो तो ये तो कम है, ये तो होगा नहीं, बराबर तो होगा नहीं, तो कौन सी ज्यादा है, 1.34 एंगस्ट्रॉम वाली ज्यादा है, इसी वजह से क्या होगा हमारा आंसर यही होगा। ओके एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पूछ रहे हैं कि सीओ बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी, सीओ बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, ऑप्शन है आपके NiCO4, CrCO6, FeCO5 माइनस, इसके अलावा है MnCO5, ये हो गया चार ऑप्शन ये हो गए आपके। अब पूछ रहे हैं बताओ किसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ CO की होगी, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ उसमें होगी जिसमें मैक्सिमम सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, और मैक्सिमम सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें होगी, जिसमें सेंट्रल मेटल आयन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, और इनमें देखो इनमें सभी में क्या है, ये सभी जीरो जीरो हैं, लेकिन इसमें क्या है आयरन पे निगेटिव चार्ज है। बेटा आयरन पे निगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिसके वजह से सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ने की वजह से क्या होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये तो क्लासिकल वो था, इसके अलावा हम बात करेंगे बेटा पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स की, तो बेटा इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। जैसे पहला है आपका जी साल्ट, अब जी साल्ट में क्या है, इसका फार्मूला होता है KTPTCl3 C2H4। जी साल्ट ये है बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। इसके अलावा बात करते हैं बेटा फेरोसिन की, फेरोसिन ये होता है ठीक है, ये हो गया बेटा आपका फेरोसिन। ठीक है, और फेरोसिन को बेटा हम क्या कहते हैं, इसको बेटा हम सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं, इट आल्सो नोन एज सैंडविच कंपाउंड। और इसका रीजन ये है कि बेटा जो दो रिंग है उनमें आयरन बीच में होता है, जैसे एक आपकी पेंटावेलेंट जो रिंग है ये इसके ऊपर ऐसे लाई करती है, और दूसरी जो रिंग है बेटा वो ऐसे लाई करती है, ठीक है, इसके वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसके वजह से हम इसको बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, वो है बेटा आपका क्रोमोसिन, ये हो गया बेटा आपका क्रोमोसिन। ठीक है, या फिर इसको हम डाई बेंजेन क्रोमियम भी कहते हैं। तो ये कुछ हो गए नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, तो बेटा IUPAC नेमिंग में देखो सबसे पहले हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैटायन का नाम, फिर बेटा एनायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लो जो कैटायन है ये कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है तब नाम आप कैसे लिखोगे, तो बेटा उस केस में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, नेम ऑफ लिगेंट लिखेंगे, लेकिन वो कैसा होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं सेंट्रल मेटल आयन का किसमें, इन रोमन नंबर, ये तब होगा जब क्या हो कॉम्प्लेक्स क्या है कैटायन है, और एनायन का नाम एज सच लिख देंगे। ठीक है, क्लोराइड है क्लोरीन है तो क्लोराइड, एमीन है तो एमाइड, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस है कि अगर एनायन कॉम्प्लेक्स हो तो क्या करोगे, तो एनायन कॉम्प्लेक्स है उस केस में बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेम ऑफ लिगेंट लिखेंगे, लेकिन वो किसमें होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसके अलावा नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे,
इसके अलावा इसमें एट ऐड वर्ड करते हैं, जैसे आयरन है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, फेरेट, ठीक है, कॉपर है तो क्यूपरेट, ऐसे करके एट वर्ड यूज करेंगे सफिक्स, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे किसमें, रोमन नंबर में, क्लियर। तो ये हो गया आईपीएससी नेमिंग लिखने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा ईएएन रूल। ईएएन रूल का फार्मूला है जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर। कभी कभी पूछते हैं कि कौन सा सेंट्रल मेटल आयन ईएएन रूल को फॉलो करेगा नहीं करेगा, तो बेटा ईएन में अगर वो 36 फॉलो करता है, फॉलो इतने आते हैं ईएन की वैल्यू, तो वो ईएएन रूल फॉलो कर रहा है वरना नहीं कर रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग में आपके तीन हैं, तीन थियरी दी गई हैं। एक है बेटा वर्नर थियरी, दूसरा आपका वैलेंस बॉन्ड थियरी, और तीसरा है क्रिस्टल फील्ड थियरी। ओके, तो सबसे पहले हम वर्नर थियरी की बात करें। तो वर्नर ने क्या कहा था कि वर्नर ने कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स का जो मेटल है ये टू टाइप की वैलेंसी शो करता है, टू टाइप की वैलेंसी शो करता है, और वो दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर के हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स का मेटल है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो बात करते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी की और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या अंतर है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें प्राइमरी वैलेंसी में कि बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल होता है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वो सेकेंडरी मेटल को, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये वेरिएबल होती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो नॉन वेरिएबल होगी। नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होगी जबकि सेकेंडरी वैलेंसी अनआयनाइजेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये नॉन डायरेक्शनल है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स के उस शेप को डिटरमाइन नहीं करेगी, जबकि ये क्या होती है बेटा, डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, और ये क्या करती है, शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स डिटरमाइन करती है, ठीक है। और ये जो बैलेंसी, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं कॉम्प्लेक्स में, जबकि इसको हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हमने ले लिया K4 FeCN6, ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। अब इसमें बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो बेटा ये आएगा +2, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई, +2। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो देखो 6 है ना, जो लीगेंड इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी ये हो गई। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है। बस वर्नर थ्योरी में इतना ही था, और पूछते हैं उसके बेसिस पे, आयनाइजेशन के बेसिस पे कि किस कौन आयनाइज्ड होगा, तो बेटा प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइज्ड होती है। तो इसमें कौन आयनाइज होता, पोटेशियम आयन आयनाइज होता। अब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी की। वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या बात करेंगे, तो बेटा देखो वैलेंस बॉन्ड थियरी में आता है कि आपको बताना होता है कि लीगेंड कैसा है, उसका शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके अलावा वो मोनोडेंटेट है, इनर लो स्पिन बना रहा है, आउटर स्पिन बना रहा है, ये सब चीजें वैलेंस बॉन्ड थियरी बताती, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीगेंड के स्पेक्ट्रल केमिकल सीरीज की, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं लीगेंड के स्ट्रेंथ वाली सीरीज आपको बता दूं, तो देखो ये होती है I- देन Br- देन HCN- देन क्लोराइड देन सल्फाइड, ठीक
देन फ्लोराइड देन हाइड्रोक्साइड देन ऑक्सलेट होगा आपका एंड देन होता है वाटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये होगा देन एडिटा होगा आपका, देन होता है अमोनिया एंड देन होता है इथाइल डाइएमीन, साइनाइड और लास्ट में होगा कार्बन। ठीक है बेटा, यहां से यहां तक क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये वीक फील्ड लिगेंड है, ओके। और ये जो है बेटा ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सीरीज, क्लियर। अब इसमें कुछ पॉइंट है, ठीक है, जैसे पहला पॉइंट क्या है, जनरली बेटा वाटर क्या है, वाटर और ऑक्सलेट ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, बट कोबाल्ट प्लस थ्री के साथ वाटर और ऑक्सलेट ये बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। एक बार फिर से समझो, वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन कोबाल्ट प्लस थ्री अगर केस है तो उस केस में क्या होगा, वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, आपने देखा पीछे फ्लोराइड है वो जनरली क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन निकिल प्लस फोर के साथ जो होता है फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अमोनिया जनरली क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट एमन डाई पॉजिटिव और आयरन डाई पॉजिटिव के साथ बेटा ये किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड सॉरी वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ओके। इसके अलावा अगर 5D या फिर 4D सीरीज का मेटल है, 5D या 4D सीरीज का मेटल है वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उस केस में बेटा जो वीक फील्ड लिगेंड है वो भी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लगते। तो ये कुछ था लिगेंड्स के लेके, आपके जो कहते हैं बेटा कि जो कुछ कंट्रोवर्सी है लिगेंड्स को लेके वो मैंने बताई, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और बेटा उसकी जियोमेट्री क्या होगी। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पे बात कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन और यहां पे होगी जियोमेट्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर दो है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और शेप क्या होगा, लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर तीन है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर चार है तो बेटा दो केस होंगे, या तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा या होगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा तो शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप होगा टेट्राहेड्रल, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका पांच है तो इसमें भी दो केस होगा, एक होगा dsp3 और दूसरा होगा आपका sp3d। ठीक है, और इस केस में दोनों का जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ज्योमेट्री दोनों की सेम होगी। नेक्स्ट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर छह है तो इसमें भी दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होंगे, एक होगा d2sp3 और एक होगा sp3d2। ठीक है, और इन दोनों की ज्योमेट्री की बात करें तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब बात करते हैं कि d2sp3 और sp3d2 में क्या है। तो देखो अगर इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें तो इसको हम d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसके अलावा इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है।
लेकिन अगर जो डी ऑर्बिटल है वो आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे डी का, तो उसको हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। या फिर इसका दूसरा नाम है बेटा, उसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर, ये हो गया, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आता है, तो आपको पता है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या कराएगा, पेयरिंग कराता है नहीं कराता है बेटा, उसकी हम बात एमओटी में कर लेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सॉरी क्रिस्टल फील्ड थियरी में, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक आता है कि बताओ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो उसका फार्मूला होता है रूट एन ब्रैकेट में एन प्लस टू। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि किसी का मैग्नेटिक मोमेंट दे देंगे और पूछ लेंगे बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या फिर पैरा मैग्नेटिक है कि डाया मैग्नेटिक है। बेटा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से हम पता कर सकते हैं, और वो कैसे पता करेंगे, इसके लिए बेटा हमको पढ़ना पड़ेगा क्रिस्टल फील्ड थियरी, ठीक है। और क्रिस्टल फील्ड थियरी के लिए हम बात करेंगे किसकी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखो एक्चुअली क्या होता है बेटा, कि जितने भी डी ऑर्बिटल हैं ये सब क्या होते हैं, डी जनरेट होते हैं, ठीक है। आपको पता है डी ऑर्बिटल दो टाइप के हैं, एक है टी टू जी और एक होता है बेटा ई जी ऑर्बिटल। टी टू जी में आता है आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये हो गया आपके टी टू जी ऑर्बिटल। ई जी ऑर्बिटल में आता है डी एक्स टू वाई टू और ये होता है बेटा क्या, डी जेड टू। आपको पता है ये डी एक्स टू वाई टू या डी जेड टू ये बेटा अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं और ये होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, ऐसे होते हैं। अब देखो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या करता है, जो लीगेंड्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लीगेंड्स होता है वो अलोंग द एक्सिस लीगेंड को अप्रोच करता है। अब जब ये अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा लीगेंड्स ऑक्टाहेड्रल में, तो क्या होता है जो एक्सिस पे ऑर्बिटल हैं ये ज्यादा रिपल्सन शो करते हैं, और रिपल्सन शो करने की वजह से इनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और वो कितना बढ़ जाती है बेटा, तो देखो जो ईजी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी बढ़ गई, और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है आपकी 0.6 एम्टा नॉट, ठीक है। इतनी ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और आपके टी टू जी ऑर्बिटल जो है उनकी जो है एनर्जी कम हो जाती है, और वो हो जाती है बेटा माइनस का 0.4 लैम्डा नॉट, ठीक है, टी टू जी ऑर्बिटल की ये हो जाती है, ठीक है। अब देखो अब आता है कि पेयरिंग और अनपेयरिंग वाला केस कैसे होता है, तो देखो पेयरिंग और अनपेयरिंग वाले केस में क्या होता है बेटा, कि इस केस में ये होता है कि जो आपका लीगेंड्स है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स होगा तो जाहिर सी बात है ये जो गैप है जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। और बढ़ जाने की वजह से ये गैप बढ़ जाता है, तो मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन जैसे फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे फिलअप होना चाहिए, तो वो रिटर्न आके क्या होता है, पेयरिंग कर लेता है, और जब वो पेयरिंग करता है तो हमें एक एनर्जी और कंसीडर करनी होती है, वो होती है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में क्या रोल है वो मैं बता दूं, कि बेटा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होगी। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। अब बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आता है आपका कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे कैसे, तो ये होता है बेटा माइनस का 0.4 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी टू जी ऑर्बिटल प्लस प्लस 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई जी ऑर्बिटल प्लस एन पी, और यहां जो एन है बेटा वो नंबर ऑफ पेयर है और पी है आपकी पेयरिंग एनर्जी,
ऐसे करके हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, अब देखो अगर बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है तो ये आपका बनाएगा कौन सा कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन अगर वीक फील्ड है तो वो क्या करेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, पर ये बात हमेशा सही नहीं होगी, ये तभी होगी जब आप पे क्या हो, ये फील्ड इफेक्ट एक्ट करे, मतलब उस पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट और वीक फील्ड लिगेंट का इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसमें दो पॉइंट और है, एक पॉइंट ये है बेटा कि अगर कोबाल्ट प्लस टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट कंटेन कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 3d ऑर्बिटल टू 4d ऑर्बिटल। ठीक है, और इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे एग्जांपल पे तौर पे हो गया बेटा कोबाल्ट और ये हो गया NH3 का होल 6 और ये जो कोबाल्ट है बेटा इस पे प्लस 2 चार्ज। ठीक है, अब देखो कैसे होता है, मान लो कोबाल्ट का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो ये होगा 3d7। ठीक है, 3d7 होगा तो जाहिर सी बात है अगर इसका ये लिखोगे आप तो देखो ये 3d ऑर्बिटल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, यहां क्या होगा 4s होगा, यहां पे क्या होगा आपका 4p और यहां पे होगा बेटा 5d ऑर्बिटल। क्लियर, यहां पे आपका 5d ऑर्बिटल होगा, ये हो गया आपका 4s, ये हो गया 4p और सॉरी ये 4d हो गया, 5 नहीं। नेक्स्ट, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 और 5 6, सॉरी बेटा ये 5 होगा, 5 6 7, ये हो गया। अब देखो आपको पता है कि क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी तो पेयरिंग हो जाएगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे पेयर्ड कर लेगा तो जो न्यू वाला बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा बेटा और एक ये एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन अब मैं बताया था कि जो कोबाल्ट है प्लस टू स्टेट में है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, यहां से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट इसको ट्रांसफर कर देगा किसमें, 4d ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये स्पेस सिंपटी हो जाएगा। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स है अमोनिया अब वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना लेगी, 2d का खाली हो गया, 1s का और 3p का, तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा वो d2sp3 हो जाएगा। लेकिन d2sp3 के साथ साथ देखो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा इसका बचा है d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ साथ, बेटा ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है। ठीक है, एक केस और होता है कि अगर बेटा कॉपर भी सेम प्लस टू केस में है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इस केस में भी क्या होगा कि जो आपका बेटा 3d ऑर्बिटल है उसका एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा आपके 4d में। जैसे इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो बेटा वो क्या होगा, ये होगा 3d9 और 3d9 को फुल अप करो तो ये होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये होगा। इसके बाद आपका क्या होगा, S होगा देन P होगा, यही तो होगा। लेकिन ये क्या करता है कि इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट इसको 3p ऑर्बिटल में सेंड कर देता है एक्चुअली, तो फिर जो न्यू स्ट्रक्चर वो क्या बन जाएगा, वो U बन जाएगा। ये देखो आप एक ऑर्बिटल ये खाली हो गया, ठीक है, एक ऑर्बिटल खाली हो गया
और आपका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा, चार कोऑर्डिनेशन नंबर है तो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस केस में भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है लेकिन फिर भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इसका रीजन ये है कि इसका जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी, ठीक है। तो ये कुछ केस हो गए इसके। अब आता है नेक्स्ट आपका, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बेटा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बेटा चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अगर चार्ज ज्यादा तो सेंट्रल मेटल आयन का तो जाहिर सी बात है उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरा आता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। इसके अलावा डाउन टू द ग्रुप आएंगे तो भी बेटा स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये तीन केस हैं जिसमें क्या होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती जाती है। बेटा एक और केस आता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, कैसे स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। तो बेटा वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो कोर्स में आता नहीं है, है पर उसके क्वेश्चन आते नहीं है। मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बता दे रहा हूं आपको। बेटा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के उसकी एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, उसके बाद होता है आपका ऑक्टाहेड्रल और सबसे ज्यादा होता है स्प्लिटिंग एनर्जी आपका स्क्वायर प्लेनर का। तो ये आधार होता है स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। बात करते हैं रिलेशन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी और ऑक्टाहेड्रल में, तो ये बेटा होती है 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल। बात करें स्क्वायर प्लेनर में, तो स्क्वायर प्लेनर की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो 1.5 होती है स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ रिलेशन है जो आपको काम आएंगे। नेक्स्ट आता है कलरिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कलरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कॉम्प्लेक्स की, तो देखो बेटा कलरिंग प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स में, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कलरिंग प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स शो क्यों करता है। तो पहले तो बात है बेटा कलरिंग वो शो करेगा जो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और कलरिंग शो करने के लिए रीजन होता है ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन के वजह से क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स है वो कलरिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। दूसरा आता है कि मान लो जो सेंट्रल मेटल आयन है इसके पास जो डी ऑर्बिटल है उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी ये कलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इसका रीजन क्या है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें डी के ऑर्बिटल क्या है, जीरो है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो कलरिंग प्रॉपर्टी शो कर रही है, तो उसका रीजन होता है बेटा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के वजह से वो कलरिंग शो करेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे हो गया बेटा KMnO4 और हो गया बेटा K2Cr2O7, ठीक है। बेटा इनके डी में क्या है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी ये कलर शो करते हैं, और वो है ये पर्पल कलर शो करेगा, ये ऑरेंज कलर शो करता है, और उसका रीजन है क्या, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि KMnO4 या फिर K2Cr2O7 कलरिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, तो नहीं बेटा ये डीडी ट्रांजिशन से नहीं करेंगे, ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से क्या करते हैं, कलरिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा सिल्वर हैलाइड का कलर क्यों शो करता है, तो इसका रीजन है बेटा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के वजह से सिल्वर हैलाइड क्या करता है, कलरिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टर्म्स है वो है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कोई कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है उसके बेसिस पे, तो बेटा जो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है बेटा जो आपको पहले देखना है कि कॉम्प्लेक्स के पास क्या होना चाहिए, चिलेटिंग लिगेंड्स। अगर चिलेटिंग लिगेंड है तो बेटा वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। दूसरा
स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स इस पे भी डिपेंड करता है। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वीक फील्ड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स से। और थर्ड आता है बेटा चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के, और इसका भी रीजन है। तो सबसे पहले बेटा हम चेक करेंगे कॉम्प्लेक्स में, उसमें चिलेटिंग लिगेंड्स है तो सबसे पहले चिलेटिंग लिगेंड्स को प्रेफर करोगे, देन आप चेक करोगे क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और लास्ट में क्या चेक करोगे सेंट्रल मेटल आयन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया खत्म। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स। आइसोमेरिज्म की बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स में तो सबसे पहले दो टाइप के आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, और उसमें भी बात करेंगे किसकी, लिंकेज आइसोमेरिज्म की। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म वो कॉम्प्लेक्स हो करते हैं जिनके पास क्या हो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हो। जिस कॉम्प्लेक्स के पास एम्बीडेंटेट लिगेंड्स पाए जाते हैं वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। और लिंकेज आइसोमेरिज्म के ही बेटा मैक्सिमम आइसोमर पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम आइसोमेरिज्म या मैक्सिमम आइसोमर कौन बनाता है तो वो बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म जो होता है उसमें मैक्सिमम आइसोमेरिज्म बनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हो गया PtNH3CN बेटा, ये हो गया ऑक्सीजन, आपको पता है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स है तो ये बेटा शो करेगा इसका दूसरा जो आइसोमर होगा वो होगा PtNH3O3 और ये हो जाएगा NC। तो ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट जो आइसोमर है वो है बेटा सेकंड आपका आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। अब आयोनाइजेशन आइसोमर कौन शो करेगा बेटा, वो शो करता है जो क्या करे काउंटर आयन से क्या करे अपने आप को एक्सचेंज करे, ठीक है। तो ये तब होता है जब व्हेन लिगेंड एक्सचेंज विद काउंटर आयन, और ये बेटा काउंटर आयन में जो होता है उसमें ये एनायन की बात कर रहे हैं कैटायन की नहीं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे हो गया Fe NH3 का होल 5 Br और इधर हो जाएगा क्या बेटा SO4। इसका जो दूसरा आइसोमर होगा बेटा ये क्या करेगा, ये जो लिगेंट है ब्रोमीन ये सल्फेट आयन से एक्सचेंज हो जाएगा और ये बना लेगा Fe NH3 होल 5 SO4 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये Br। तो ये दोनों क्या हो गए आयनाइजेशन आइसोमर के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट आता है आपका क्या हाइड्रेट आइसोमर। अब हाइड्रेट आइसोमर में क्या आएंगे, ये भी बेटा क्या है आयनाइजेशन जैसा ही है पर इसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल केवल अंदर बाहर होते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल के वैल्यू पे डिपेंड करता है हाइड्रेट आइसोमर। जैसे मान लो क्या हो गया CCl3.H2O 3H2 है, ठीक है बेटा। अब देखो इसके आइसोमर कैसे बनेंगे, सॉरी ये 6H2O है। अब देखो इसके हाइड्रेट आइसोमर कैसे बनेंगे, सभी वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं एक बार अंदर ले लो, ये भी हाइड्रेट आइसोमर है। अब क्या करो वाटर मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करो काउंटर आयन से, ठीक है। इसके अलावा सॉरी ये 4 होगा Cl2 और ये हो जाएगा क्या Cl.2H2, क्लियर। तो हाइड्रेट आइसोमर भी आयनाइजेशन आइसोमर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें जो चेंजिंग पार्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है, इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं हाइड्रेट आइसोमर कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा क्या आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है,
ये बेटा उन कॉम्प्लेक्सों में होता है जिसमें एनायन भी क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, और कैटायन भी क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। दोनों कॉम्प्लेक्स हो तभी ये होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या ले लिया, सी आर एन एस थ्री का होल सिक्स, उसके बाद बेटा सी ओ एन एस थ्री, सॉरी सी ओ सी एन का होल सिक्स। ये बेटा हो गया, देखो ये हो गया क्या, कैटायन ये भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, तो इनमें क्या होगा, इनमें होता है बेटा क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म निकालने के दो फार्मूले भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर जो कोऑर्डिनेशन एनायन का है, मतलब कैटायन का जो सेंट्रल मेटल आयन है और एनायन का सेंट्रल मेटल आयन है, बेटा ये ट्रिक तब काम करेगी जब क्या हो, केवल मोनोडिन्टेट लिगेंड्स हो। जैसे इस केस में यहाँ पे देखो ये मोनोडिन्टेट है और ये भी मोनोडिन्टेट है, तब हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है कि अगर सेंट्रल मेटल कैटायन और एटायन का क्या हो, डिफरेंट हो, इफ सेंट्रल मेटल आयन इज डिफरेंट, मतलब इसके केस में देखो इसमें कैटायन में क्रोमियम है और इसमें क्या है, कोबाल्ट है, तो इस केस में क्या होता है, जो टोटल आइसोमर होगा आपका वो होता है बेटा कितना, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। जैसे बताओ इन दोनों में कितना होगा इसका टोटल नंबर आइसोमर, तो सीधा सीधा देखो सेंट्रल मेटल आयन अलग है, मोनोडिन्टेट लिगेंड्स भी है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर इसके आइसोमर होंगे, तो इसका होगा 6 क्वाड, मतलब 6 टोटल आइसोमर इसके बनेंगे। लेकिन अगर इफ सेंट्रल मेटल आयन क्या हो, सेम हो जाए, तब क्या होगा, तो उस केस में होगा बेटा जो आपका टोटल आइसोमर बनेंगे वो होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बाई 2। ठीक है, ये होगा। जैसे मान लो कि यहाँ क्रोमियम है और क्रोमियम की जगह मैंने यहाँ फिर से क्या रख दिया, क्रोमियम। अब देखो दोनों में क्या है, सेंट्रल मेटल आयन सेम है, इस केस में क्या होगा, जो आपका टोटल आइसोमर होंगे वो बेटा क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बाई 2, मतलब 3 टोटल आइसोमर। ठीक है, तो ये बेटा हमारा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे किसकी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। अब स्टीरियो में क्या आपको पता है, जियोमेट्रिकल आइसोमर होता है और ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो अब इसको कंडीशनल बात करते हैं बेटा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उसमें दो केस होगा, या तो वो sp3 कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल उसका शेप है, और दूसरा होगा या तो होगा dsp2 या ट्राइगोनल प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये दो केस होंगे। अब देखो तो देखो जो टेट्राहेड्रल वाला है वो केवल ऑप्टिकल आइसोमर्जम शो करेगा, ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्जम कभी भी शो नहीं कर सकता। फिर से समझो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो कंडीशन बनेगी, या तो वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा या तो ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वो ऑप्टिकल शो कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि करेगा, लेकिन जियोमेट्रिकल तो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन स्क्वायर ट्राइगोनल प्लेनर केस में ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मतलब अगर स्क्वायर प्लेनर है तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या कर सकता है, ऑप्टिकल कभी नहीं करेगा। ठीक है, अब आता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कौन शो करेगा और कौन नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर मोनोडिन्टेट लिगेंड्स है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया आपका, मोनोडिन्टेट लिगेंड्स हमने यूज किया, तो उस केस में होगा कि जो MA4 टाइप के, मतलब सेम टाइप के लिगेंड हो, या MA3B टाइप का सॉल्ट हो, इस केस में कोई नहीं शो करेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा जितने भी रिमेनिंग हैं, जैसे क्या हो गया, MA2B2, MA2B2C, और ये हो जाएगा MA2B2C, ये सभी क्या शो करेंगे, ये बेटा सभी शो करेंगे क्या, आपके जियोमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है,
नेक्स्ट अब आता है बेटा एम ए टू बी टू और एम ए टू बी टी सी, ये कैसे करेंगे? तो बेटा ये देखो, ये करेगा आपका तीन जियोमेट्रिकल इसके आइसोमर बनेंगे, और इसके बेटा क्या बनेंगे, दो जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब इन तीन में क्या होते हैं, दो सिस होगा आपका और एक ट्रांस होगा। ऐसे अगर आपको साल्ट मिलता है, जैसे क्या है बेटा, हमने ले लिया क्या निकेल, और यहाँ पे ले लिया क्या क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, और इससे आपसे पूछ लिया कि बताओ कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो बेटा सीधा सीधा बता देना, तीन आइसोमर बनेंगे जिसमें दो सिस होगा और एक ट्रांस होगा। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो वो कैसे शो करेगा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल? तो देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो पता है आपको ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, तो हमने ये बना लिया। यहाँ पे क्या है, मान लो सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, और ये हो गई पोजीशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, ये हो गया पोजीशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, जैसे मान लो क्या है, यहाँ हो गया वन टू और ये जगह थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, अब ऐसे अगर दे देगा तो कौन कौन सी पोजीशन क्या होगी वो जान लो बेटा, कि अगर वन टू पोजीशन है, वन कामा टू पोजीशन हो, या फिर थ्री कामा फाइव पोजीशन हो, या फिर फोर कामा सिक्स पोजीशन हो, इन सभी पोजीशन को हम ट्रांस पोजीशन कहते हैं। ओके, लेकिन अगर क्या हो, इसके अलावा जितनी भी आप कॉम्बिनेशन बनाओ उसके अलावा जितनी भी होंगी वो सब क्या होंगे, सिक्स पोजीशन होंगे। ठीक है, अब आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन कौन शो करेगा। तो अगर बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एम ए सिक्स टाइप का सॉल्ट हो, या फिर एम ए फाइव बी, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्या होगा एफ ई सी एन सिक्स हो, ठीक है, ऐसा हो तो क्या होगा, और अगर ऐसा हो कि एफ ई एस टू ओ फाइव डॉट सी एल, ऐसा हो तो इस केस में ये न जियोमेट्रिकल शो करेंगे न ऑप्टिकल शो करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बेटा कि अगर मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं तो उस केस में अगर सॉल्ट हो एम ए थ्री बी थ्री का और क्या हो, तो इस केस में बेटा ये फेस और मल टाइप के आइसोमर शो करते हैं। ठीक है, और जो फेस टाइप के आइसोमर होते हैं ये बेटा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं, जबकि जो मर होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कभी कभी इनमें पूछ लेता है कि फेस और मर टाइप का आइसोमर जब कौन शो करेगा, तो ये बेटा आपका एग्जाम्पल्स हो गया। ठीक है, अब आता है अगर मोनोडिंटेट लिगेंड्स हैं तो उस केस में, मोनोडिंटेट लिगेंड्स है तो उस केस में कौन कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा और टोटल आइसोमर कितने होंगे। तो बेटा यहाँ पे हो गया मोनोडिंटेट में टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इधर होगा बेटा टोटल आइसोमर। ठीक है, अगर बेटा मान लो कॉम्प्लेक्स ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो क्या है यम ए फोर बी टू टाइप का है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो करेगा लेकिन ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे, दो होंगे। यम ए थ्री बी थ्री टाइप का है तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे, दो। अगर साल्ट है यम ए थ्री बी टू सी टाइप का तो वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा ऑप्टिकल नहीं करेगा, और टोटल आइसोमर तीन। बात करते हैं यम ए थ्री बी सी डी हो तो उस केस में ये ऑप्टिकल भी करेगा ज्योमेट्रिकल भी करेगा और टोटल आइसोमर सात बनेंगे। नेक्स्ट आता है अगर वो एम ए टू बी टू सी टू टाइप का हो तो उस केस में ये दोनों शो करेगा और आइसोमर कितने होंगे, सिक्स। अब आता है लास्ट में एम ए बी सी डी ई एफ टाइप हो तो ये सब करेगा और टोटल 30 टाइप आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो। ठीक है,
नेक्स्ट केस आता है आपका अगर बाइडेंटेट लिगेंड्स हो तो। बाइडेंटेट के केस में क्या होगा, तो बेटा हो गया टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल, वो शो करेगा कि नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा कि नहीं करेगा, और टोटल आइसोमर कितने आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो देखो अगर बेटा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्या हो, एम ए ए थ्री टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, मतलब क्या हो, ये क्या है, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स है और वो तीन है। जैसे क्या हो गया, मैंने ले लिया एफ ई एन का होल थ्राइस, ठीक है, इस टाइप का अगर सॉल्ट हो तो उस केस में होगा कि वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा लेकिन ऑप्टिकल करेगा, और वो दो टोटल आइसोमर बनेंगे। अगर आपको सिमेट्रिकल हो ए ए टू बाकी मोनोडेंटेट हो तो उस केस में ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, ऑप्टिकल भी शो करेगा, और टोटल आइसोमर तीन होंगे। अगर बात करेंगे एम ए ए टाइप का, मतलब एक मोनोडेंटेट हो चार बाइडेंटेट हो, तो उस केस में ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, ऑप्टिकल भी शो करेगा, और चार आइसोमर बनेंगे। लेकिन एक कंडीशन है बेटा, अगर हमने क्या ले लिया कि मोनोडेंटेट एक ले लिया और चारों जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं वो क्या हो, बराबर हो, तो इस केस में ना तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, हमने ले लिया FeEn और इधर ले लिया बेटा क्या NH3 का होल फोर, ठीक है, तो बताओ इस केस में क्या होगा, ना तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना ही ऑप्टिकल शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने ले लिया क्या बेटा अनसिमेट्रिकल, ए भी क्या है आपका अनसिमेट्रिकल है, तो इस केस में ये शो करेगा और कितना बनाएगा, चार टोटल आइसोमर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या ले लिया Ab2, मतलब दो बाइडेंटेट एक मोनोडेंटेट, ये भी शो करेगा और ये कितना आइसोमर बनाएगा, तीन, और लास्ट में हमने ले लिया Ab और बाकी कितने हैं मोनोडेंटेट है, तो इस केस में भी क्या करेगा, ये बनाएगा लेकिन कितने बनाएगा, चार आइसोमर बनाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सिस और ट्रांस है इसमें केवल जो सिस वाला है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, इस केस में भी जो सिस वाला होगा वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ट्रांस वाले जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया एक ब्रीफ रिव्यू अबाउट आपके आइसोमेरिज्म को लेकर। नेक्स्ट आता है बेटा डिटेक्शन इन रेडिकल, रेडिकल के डिटेक्शन में भी यूज होते हैं, जैसे कॉपर के डिटेक्शन में हम किसको यूज करते हैं, K4FeCN6 को, तो वो बना लेगा क्यूप्रोफेरोसाइनेट। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा कॉम्प्लेक्स FeCN6। अगर हम बात करें आयरन की, अगर हम डिटेक्शन की बात करें तो बेटा यही इससे रिएक्ट करेगा और ये बना लेता है बेटा प्रूशन ब्लू कलर। ठीक है, ये होता है क्या, प्रूशन ब्लू कलर फेरी फेरोसाइनेट, और बेटा इसका फार्मूला होता है Fe4FeCN6 का होल थ्राइस। ये हो गया बेटा प्रूशन ब्लू। ठीक है, बात करते हैं अगर सल्फर की, तो सल्फर बेटा ये सोडियम नाइट्रोपुरोसाइड के साथ रिएक्शन करेगा FeCN5 NO। ये बेटा हो गया क्या, सोडियम नाइट्रोपुरोसाइड के साथ ये एक्ट करता है और ये बना लेता है क्या, सोडियम थायो नाइट्रोपुरोसाइड, और ये हो जाता है फार्मूला Na4FeCN5 NOS। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका नाम क्या है, सोडियम थायो नाइट्रोपुरोसाइट, और ये कौन सा कलर शो करता है, ये बेटा वायलेट कलर दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आपका नाइट्रेट या फिर नाइट्राइड के लिए, इसमें हम यूज करते हैं बेटा फेरस सल्फेट, तो ये क्या करता है, ब्राउन रिंग बनाता है कॉम्प्लेक्स, और वो ब्राउन रिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है बेटा वो ये होता है NO SO4। ठीक है, ये ब्राउन कलर का ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है बेटा, अगर हमने क्यूप्रिक आयन का यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैडमियम डाई पॉजिटिव, इसमें अगर हमने किया तो उस केस में क्या होता है कि देखो बेटा, जो कॉपर साइनाइड है ये आपस में दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और ये बना लेते हैं बेटा इसका येलो प्रेसिपिटेट। अब नेक्स्ट आता है बेटा जिगलर नाटा कैटलिस्ट, आपने पढ़ा होगा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये है क्या, ये है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, उसके साथ होता है बेटा एल्यूमिनियम। ओके, ये हो गया जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसके अलावा बेटा आपने पढ़ा होगा एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग, और एंटी कैंसर ड्रग है आपका सिसप्लैटिन, सिसप्लैटिन मतलब प्लेटिन का सिस आइसोमर होता है एंटी कैंसर ड्रग की तरह होता है, और वो होता है पीटीएनएच3 का होल ट्वाइस। इसके अलावा सीएल, ये होता है बेटा कि ये इसका सिस जो आइसोमर होता है वो एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जो क्या करते हैं, सीधा जो मेटल हो वो कार्बन से बॉन्डेड हो, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे हो गया क्या आपका गिगनार्ड रिएजेंट RMGX, ये क्या हो गया बेटा, ये है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके अलावा ये भी क्या आता है बेटा आपका गिलमंस रिएजेंट है, वो भी है आपका बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उनको कहते हैं जो जो मेटल हो डायरेक्ट कार्बन से बॉन्डेड हो, ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ओवरऑल ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट इस चैप्टर में कवर अप हो जाए। क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं कराया है क्योंकि इस समय थियरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे वो है मेटलर्जी, ठीक है। तो बेटा मेटलर्जी में वो आपको पता है ओर क्या होता है, तो मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि ओर एक टाइप के मिनरल ही होते हैं, लेकिन इनको हम ओर और मिनरल में फर्क ये होता है कि इससे ओर वो मिनरल होता है जिससे हम मेटल को आसानी से और इकोनॉमिकली बेनिफिशियली हम मेटल को प्राप्त कर सके, ऐसे मिनरल को हम ओर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ मेटलर्जी कि कितने कितने टाइप की हम मेटलर्जी प्रोसेसर यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी में बेटा है तीन टाइप के मेटलर्जिकल प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग। एक है पायरोमेटलर्जी, दूसरी है बेटा आपकी हाइड्रोमेटलर्जी, और थर्ड है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ओके, पायरोमेटलर्जी में आप टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा, हाइड्रोमेटलर्जी में बेटा क्या यूज करते हैं सोल्यूशन को इन्वॉल्व करेंगे, और इलेक्ट्रो बेटा पता ही है नाम से इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व होगी इसमें। ओके, नेक्स्ट पायरोमेटलर्जी किसके लिए होती है बेटा, हैवी मेटल्स के लिए। हैवी मेटल्स को हम पायरोमेटलर्जी से क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोमेटलर्जी है इसमें बेटा हम ईसीएस के अकॉर्डिंग करते हैं, अगर हाइड्रोजन से जो नीचे मेटल्स हैं उनका करते हैं, मतलब इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बिलो टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जितनी नीचे की मेटलें हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका हम मेटलर्जी हाइड्रोमेटलर्जी से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बेटा क्या हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ठीक है। इसमें हैवी मेटलों में क्या हो गया, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, बेटा ये हो गए एग्जाम्पल आपके किसके, पायरोमेटलर्जी के।
इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रॉन बेटा एग्जांपल है आपके, जैसे हम किसका करेंगे, फर्स्ट डे मेटल का, सेकेंड डे जो मेटले हैं इसके साथ साथ एल्यूमिनियम का भी, हम एल्यूमिनियम मेटल को भी हम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो मेटलर्जी से उसको हम प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में बेटा तीन प्रोसेस है। पहले हम क्या करेंगे, माइनिंग करते हैं। माइनिंग में क्या करेंगे कि बिग लम्स हम ऑब्टेन करेंगे, वहां से हम क्या करेंगे मिनरल को निकालेंगे, ठीक है। दूसरा उसकी क्रशिंग करेंगे या फिर ग्राइंडिंग करेंगे, और तीसरा स्टेप है उसको बेटा कंसंट्रेट करेंगे। तो मैं सीधा सीधा यहां से बता रहा हूं कंसंट्रेशन कि कंसंट्रेट कैसे करते हैं ओर को। तो हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की। देखो बेटा कंसंट्रेशन भी दो टाइप का, एक होता है फिजिकल कंसंट्रेशन और एक होता है केमिकल कंसंट्रेशन। और केमिकल कंसंट्रेशन को बेटा हम लीचिंग भी कहते हैं, इसको हम लीचिंग भी कहते हैं। अब केमिकल कंसंट्रेशन में भी बेटा तीन टाइप के कंसंट्रेशन है। एक है आपका ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा है बेटा आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, और तीसरा है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन। ओके, अब देखो ग्रेविटी सेपरेशन को हाइड्रोलिक बेसिंग लेविगेशन टेक्निक भी कहते हैं। और बेटा ये किस पे बेस्ड होता है, इसमें जो मेन मेन पॉइंट एग्जाम में आपके आएंगे मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट को बताऊंगा, कौन सा कैसे होता है इसके बारे में नॉलेज नहीं लेना है अभी आपको, आपको सीधा से क्वेश्चन करना है बेस्ड ऑन डिफरेंस इन ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के अलग अलग होने पे हम क्या करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या हो, जो आपकी जो मेटल है, जो ओर है, और इसके अलावा जो आपकी इम्प्योरिटी है, उन दोनों का जो ग्रेविटी अलग अलग होती है उसके बेसिस पे हम ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं। और इनमें हम किन किन मेटलों को करते हैं, जैसे क्या ऑक्साइड ओर या फिर कार्बोनेट ओर, ऐसे ओर का हम ग्रेविटी सेपरेशन द्वारा क्या करते हैं कंसंट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये होता है बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, वो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं हम गैंग और ओर के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। और इसमें हम सेपरेट करते हैं बेटा किसको, एस एंड पी ब्लॉक के कंपाउंड को, एस एंड पी ब्लॉक के कंपाउंड को बेटा हम यूज करते हैं। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन में बेटा ये होता है वेटिंग प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। फ्रोथ फ्लोटेशन इज बेस्ड ऑन वेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, वेटिंग प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा। और फ्रोथ फ्लोटेशन में हम सल्फाइड ओर का यूज करते हैं, मतलब सल्फाइड ओर को प्यूरिफाई करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे या कंसंट्रेट करने के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन पावर यूज करते हैं। इसमें पूछता है कि बताओ फ्रोथ फ्लोटेशन में फ्रोथर कौन होता है, तो इसमें फ्रोथर होता है बेटा पाइन आयल को यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछते हैं बताओ फ्लोटिंग एजेंट कौन होगा, तो इसमें जो फ्लोटिंग एजेंट होता है वो होता है आपका सोडियम इथाइल जैंथेट। सोडियम इथाइल जैंथेट को यूज किया जाता है फ्लोटिंग एजेंट के रूप में। और पूछते बताओ इसमें स्टेबलाइजर क्या यूज किया जाएगा जो फ्रोथ को क्या करता है मतलब स्टेबलाइज रखता है, तो स्टेबलाइजर बेटा इसमें पाइन आयल को ही यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा पूछते हैं इसमें डिप्रेसेंट कौन सा यूज किया जाता है, तो बेटा इसमें डिप्रेसेंट को यूज करते हैं, सोडियम साइनाइड को डिप्रेसेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था बेटा फिजिकल सेपरेशन। अब हम बात करेंगे किसकी, केमिकल सेपरेशन की या फिर लीचिंग की, ठीक है। तो केमिकल सेपरेशन और लीचिंग बेटा हम करते हैं तीन मेटलों के लिए, एक है बेटा एल्युमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। बेटा एल्युमिनियम की जो ओर होती है उसको कहते हैं बॉक्साइड ओर। तो देखो बॉक्साइड ओर ये होती है जनरल Al2O3.2H2O, ठीक है। अब जो बॉक्साइड होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है रेड बॉक्साइड और एक होता है व्हाइट बॉक्साइड।
रेड ऑक्साइड को बॉक्साइट को कंसंट्रेट करने के लिए बेटा हम दो प्रोसेस यूज करते हैं, एक है बेयर्स प्रोसेस और दूसरा है बेटा आपका हॉल प्रोसेस। अब देखो जो बेयर प्रोसेस है इसमें जब हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है NaOH, जबकि हॉल प्रोसेस में बेटा सोडियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है इसको कंसंट्रेट करने के लिए। व्हाइट बॉक्साइट में बेटा हम यूज करते हैं सरपेक प्रोसेस। सरपेक प्रोसेस द्वारा व्हाइट बॉक्साइट को बेटा हम प्यूरिफाई करते हैं। और देखो व्हाइट वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें सिलिका की इम्प्योरिटी ज्यादा होती है इसलिए इसको व्हाइट कहते हैं। और इसमें क्या होता है आयरन ऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है इस वजह से इसको रेड बॉक्साइट कहा जाता है, ठीक है। और इसमें बेटा हम यूज करेंगे कार्बन एंड नाइट्रोजन को यूज किया जाता है एजेंट के रूप में। बेटा व्हाइट का मतलब क्या है, सफेद, व्हाइट मतलब सफेद और सफेद मतलब सरपेक, सफेद को सरपेक से करेंगे इससे याद रखोगे, बाकी बेयर और हाल आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगा बेटा एल्युमिनियम की जब कंसंट्रेशन करेंगे। बाकी बात करते हैं बेटा हम सिल्वर और गोल्ड की, तो सिल्वर और गोल्ड को बेटा हम साइनाइड प्रोसेस द्वारा कंसंट्रेट करते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट पूछेंगे कि बताओ सिल्वर और गोल्ड को कैसे कंसंट्रेट करोगे, तो बेटा साइनाइड प्रोसेस वाला, ठीक है। अब इसमें दो टर्म्स आते हैं बेटा, एक आपने पढ़ा होगा कैल्सिनेशन और दूसरा पॉइंट पढ़ा होगा रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं बता दूं बेटा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या होता है। देखो कैल्सिनेशन में क्या करते हैं कि हम ओर को हीट करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर, एयर के अब्सेंस में इसको हीट किया जाएगा। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है बेटा कार्बोनेट ओर के लिए, इसके अलावा हाइड्रोक्साइड ओर, इसके अलावा बेटा ऑक्साइड ओर के लिए यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट कैल्सिनेशन में बेटा वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिमूव होती है, ठीक है। जैसे मान लो क्या हो गया, कोई मेटल कार्बोनेट है इसका हमने क्या कराया कैल्सिनेशन कराया कि ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, ठीक है। मान लो कोई मेटल हाइड्रोक्साइड है बेटा, इसको हमने कैल्सिनेशन कराया तो ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और वाटर रिमूव हो गई, ठीक है। तो कैल्सिनेशन में ये क्यों करते हैं। बात करते हैं रोटिंग रोस्टिंग की, तो बेटा इसको प्रेजेंस ऑफ एयर के रूप में, प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं रोस्टिंग में, और ये यूज किया जाता है बेटा सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर को रोस्टिंग द्वारा कंसंट्रेट करेंगे। और इसमें इम्प्योरिटी क्या क्या यूज होती है बेटा, इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक और सिलका, ये सब जो इम्प्योरिटी है वो SO2 के रूप में निकल जाती है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका कंसंट्रेशन का मेथड। नेक्स्ट आता है क्या, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ओर से क्या करेंगे हम, मेटल प्राप्त करेंगे और वो जो मेटल होगी वो 95 to 98% तक प्योर होती है, ठीक है। मतलब ओर से मेटल प्राप्त करना ही रिडक्शन कहलाता है। अब रिडक्शन भी आपके तीन टाइप है, केमिकल रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन और मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, केमिकल रिडक्शन की, ओके। केमिकल रिडक्शन में क्या करेंगे, देखो तो केमिकल रिडक्शन भी बेटा दो टाइप का है, पहला हम रिड्यूस करेंगे बाई कार्बन और दूसरा बाई एल्यूमिनियम। अगर कार्बन द्वारा रिड्यूस करेंगे तो इसको हम कहते हैं बेटा स्मेल्टिंग, और अगर हमने रिडक्शन में क्या एल्यूमिनियम यूज किया तो इसको बेटे हैं बेटा हम थर्माइट प्रोसेस या एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ओके, ठीक है। अब देखो अगर कार्बन द्वारा रिड्यूस करेंगे तो कोई मेटल ऑक्साइड और होगी, अगर कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे तो बेटा क्या और फ्लक्स इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, मेटल मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा और बेटा स्लैग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आता है बेटा यहाँ फ्लक्स क्या है और स्लैग क्या है। तो देखो फ्लक्स वो होता है जो क्या करे, नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटी को, फ्लक्स क्या होता है जो नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटी है, नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटी को बेटा ये कन्वर्ट करता है
फ्यूजिबल इम्प्योरिटी में, ठीक है, मतलब नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी को ये फ्यूजिबल में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। ओके, समझ में आ गया, इतनी सी बात हो गई आपकी स्मेल्टिंग की। अब देखो स्मेल्टिंग में और क्या होता है, अब बात करते हैं बेटा फ्लक्स की बात की, तो फ्लक्स के बारे में दो पॉइंट और देख लेते हैं। देखो दो टाइप के फ्लक्स होता है, एक होता है एसिडिक फ्लक्स और दूसरा होता है बेटा आपका क्या, बेसिक फ्लक्स। ठीक, अब बेसिक फ्लक्स एसिडिक फ्लक्स में क्या होगा बेटा, एसिडिक फ्लक्स किसको रिमूव करेगा, ये बेटा बेसिक इंप्योरिटी को रिमूव करता है, जबकि बेसिक फ्लक्स एसिडिक इंप्योरिटी को रिमूव करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्या हो गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे SiO2 और ये मेटेलिक ऑक्साइड, कुछ भी मेटेलिक ऑक्साइड ले लो, उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, ये करता है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट ये है कि अगर बेटा अगर हाई टेम्परेचर हम यूज करते हैं, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो बेटा हम कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, लेकिन अगर लो टेम्परेचर पे ये प्रोसेसर किया जा रहा है तो उस केस में बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ओके, ये दो पॉइंट थे जो केमिकल रिडक्शन में आपका था। सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन किसका होता है, तो बेटा सेल्फ रिडक्शन जो है उसमें बेटा कॉपर, लेड, इसके अलावा मरकरी, इनको सेल्फ रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए होगा, फॉर सल्फाइड और ओनली, मतलब कॉपर, लेड और मरकरी की केवल सल्फाइड ओर को ही सेल्फ रिड्यूस किया जा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन। अब मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन का एग्जांपल क्या है, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल एग्जांपल है बेटा जैसे क्या हो, जो ECS में हाइड्रोजन से नीचे हो उनको मेटल डिस्प्लेसमेंट द्वारा करते हैं, जैसे क्या हो गया कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहला जैसे बेटा क्या हो गया, साइनो कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको बोलते हैं मैक आर्थर प्रोसेस, मैक आर्थर प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे, सल्फाइड ओर है, इसकी रिएक्शन बेटा सोडियम साइनाइड से कराते हैं, ये बना लेगा आपका Na2AgCN का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। ठीक है, उसके बाद गोल्ड के साथ क्या करेंगे बेटा, KCN यूज करेंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, KAUCN का होल ट्वाइस। मैक आर्थर प्रोसेस द्वारा हम किसको करेंगे, गोल्ड और सिल्वर को करते हैं। ठीक है, अब आता है उसके बाद, पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, अब दूसरे बार क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स है बेटा उसको फ्री मेटेरियल में रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन टू फ्री मेटल, फ्री मेटल। पहले क्या किया, ओर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, फिर कॉम्प्लेक्स से क्या करेंगे उसको फ्री ओर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने सिल्वर वाला जो ओर था उसको लिया था बेटा, वो था AgCN का होल ट्वाइस, इसको क्या किया, जिंक से रिड्यूस किया, और जिंक से जब रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा NaZnCN होल ट्वाइस और ये हो जाएगा बेटा 2Ag+। तो यहां से हमें क्या मिल गई, हमें मेटल मिल गई। ठीक है, गोल्ड के केस में भी यही होगा, जिंक और ये होगा बेटा K2ZnCN का होल 4 और प्लस 2A, ये हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गई, गोल्ड भी मिल गई और सिल्वर भी मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अभी एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस मैंने बताया नहीं था। देखो एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस में क्या करते हैं, इसमें बेटा Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्शन एल्युमिनियम से कराते हैं,
तो बेटा ये बनता है Al2O3 और दो क्रोमियम निकल जाएगा, ठीक है। अब ये होगा, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे मैंगनीज ऑक्साइड से, तो फिर क्या होता है बेटा, ये भी कन्वर्ट हो जाता है आपका एलुमिना, और क्या होगा, दो मैंगनीज आए। तो ये बेटा ये प्योरिफिकेशन किसके द्वारा है, एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस, और एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस का यूज किया जाता है वेल्डिंग पर्पस के लिए, ठीक है। फोर्थ आता है बेटा इसमें क्या, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हम किसका किसका करेंगे, तो बेटा देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हम करते हैं किसके लिए, फॉर फर्स्ट ए मेटल, सेकेंड ए मेटल के लिए और एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। और बेटा इसमें एल्युमिनियम के लिए जो यूज किया जाता है उस प्रोसेस का नाम है क्या, हाल हेराल्ड प्रोसेस, हाल हेराल्ड प्रोसेस, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, जो एल्युमिनियम होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं किससे, एलुमिना से, Al2O3 से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब बेटा देखो जो एलुमिनिया को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि एलुमिना को टेम्परेचर कम करते हैं, क्योंकि एलुमिना को बहुत हाई टेम्परेचर पे जब हम वो करेंगे तब ये पिघलता है। तो इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए बेटा हम यूज करते हैं क्या, Na3AlF6 मतलब क्रायोलाइट, उसके साथ साथ बेटा CaF2 को ऐड किया जाता है। तो ये क्या करता है, एलुमिनिया के पॉइंट को कम कर देता है। इसका रीजन ये है कि बेटा एल्युमिनियम जो है वो इससे कम टेम्परेचर पे ही पिघलने लगेगा, तो और अभी और से अभी एल्युमिनियम प्राप्त नहीं होगा कि वो वेपर फॉर्म में जाने लगेगा, इसलिए हम इसमें इसको मिक्स करते हैं कि ये क्या करे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिना कम करे, ठीक है। और बेटा ये दोनों जो होते हैं ये इसमें किसकी तरह, न्यूट्रल फ्लक्स की तरह यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हो गए, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, एल्यूमिना का टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है। ये हो गया, किससे करेंगे, जब एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट आता है बेटा सोडियम का स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, तो सोडियम के स्ट्रक्चर के लिए बेटा हम यूज करते हैं डाउन सेल प्रोसेस। और डाउन सेल प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे किससे, सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। फिर इसमें न्यूट्रल फ्लक्स यूज किया जाता है CaCl2, इसमें न्यूट्रल फ्लक्स की तरह यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको पता है कि NaCl का फ्यूजन टेम्परेचर ज्यादा है तो ये फ्लक्स की तरह एक्ट करेगा और इसको क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को कम करेगा, ठीक है। इसमें केवल CaCl2 यूज किया जाता है जबकि इसमें CaF2 यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसका काम टेम्परेचर तो कम करना ही है, इसके अलावा ये कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है, इंक्रीज कंडक्टिविटी, ओके ये हो गया। इसके अलावा ये मोल्टिंग पॉइंट को भी कम करता है, क्योंकि आपको पता है जो फ्लक्स है उसमें जो कंपाउंड ओर है वो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ओर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल से। बेटा अगर इसका कम नहीं होगा तो मेल्टिंग पॉइंट मेटल का क्या होगा, कम होने की वजह से क्या होगा, ये पिघलेगा नहीं, हम मेटल पिघल जाएगी, इस वजह से क्या होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट को कम कराते हैं देन हमें मेटल प्राप्त होती है। तो ये था कि सोडियम को कैसे करेंगे। अब बात करते हैं रिफाइनिंग की, रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग कैसे करेंगे बेटा, तो देखो रिफाइनिंग के लिए भी तीन चार प्रोसेस है। पहला है बेटा फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस में है बेटा आपका लिक्वेशन, दूसरा है आपका डिस्टिलेशन, और तीसरा है बेटा जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, या फिर इसको हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ओके ये कहते हैं। अब देखो लिक्विशन,
लिक्विफेक्शन किसके लिए यूज करते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल के लिए यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। जिन मेटलों का मेल्टिंग पॉइंट लो है उसके लिए लिक्विफेक्शन यूज किया जाएगा। और एग्जाम्पल पे हो गया बेटा टिन, लेड, टिन लेड हो गया, उसके अलावा आर्सेनिक और क्या हो गया बेटा एंटीमनी, इनको हम यूज किया जाते हैं लिक्विफेक्शन में, ठीक है। डिस्टिलेशन उनको यूज किया जाता है जो बेटा क्या है वोलेटाइल मेटल हो। वोलेटाइल मेटल के लिए हम यूज करते हैं जोन डिस्टिलेशन प्रोसेस, जैसे एग्जांपल पे हो गया बेटा जिंक हो गया आपका, कैडमियम हो गया और मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस। जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज किया जाता है? तो बेटा जोन रिफाइनिंग हम यूज करते हैं फॉर अल्ट्रा प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए। अल्ट्रा प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए हम जो जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं, और इससे बेटा हम प्राप्त करते हैं क्या सेमीकंडक्टर, गैलियम जिसका यूज किया जाता है, इंडियम और सिलिकॉन। अल्ट्रा प्योर मेटल के लिए जोन रिफाइनिंग की जाती है, और जोन रिफाइनिंग से हम क्या पाते हैं सेमीकंडक्टर बनाने वाले मेटल, जैसे क्या हो गया गैलियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, तो ये हो गया आपका फिजिकल प्रोसेस। दूसरा आता है आपका क्या केमिकल प्रोसेस। अब केमिकल प्रोसेस में क्या होगा? तो केमिकल प्रोसेस में भी तीन है, क्यूपिलेशन, दूसरा है आपका पोलिंग, और थर्ड है बेटा बेसेमराइजेशन। ओके, अब क्यूपिलेशन में क्या होगा? क्यूपिलेशन के लिए बेटा यूज करते हैं, इसको करते हैं सिल्वर के लिए, लेकिन उसकी जो इम्प्योरिटी हो वो किसकी हो? लेड की हो। सिल्वर विद लेड इम्प्योरिटी, ठीक है। मतलब सिल्वर हो, सिल्वर को क्यूपिलेशन द्वारा हम प्यूरिफाई करेंगे, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी क्या हो? लेड की हो, ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये करते हैं कि सबसे पहले जो इम्प्योर मेटल होती है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे। जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या होगा, इसमें होगा आपकी जो बेटा जो प्योर मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या रिएक्शन नहीं करेगी, और जो इम्प्योरिटी है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेती है वोलेटाइल ऑक्साइड। वोलेटाइल ऑक्साइड बना के क्या करते हैं ये रिमूव हो जाएंगे और मेटल क्या हो जाएगी हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं पोलिंग में, तो पोलिंग किसके लिए यूज किया जाता है? पोलिंग यूज किया जाता है बेटा आपका कॉपर के लिए, जिसमें क्या हो जो इम्प्योरिटी हो वो क्या हो लेड की। लेड की इम्प्योरिटी हो और कॉपर की प्यूरिफिकेशन करना हो तो उसके लिए हम पोलिंग यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं कॉपर में, और फिर क्या हो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है। इसके बाद फिर पहले इससे रिड्यूस करेंगे, देन उसके बाद हाइड्रोजन से रिड्यूस करेंगे, और अल्टीमेटली बेटा हमें ये मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो क्यूपिलेशन में यूज करेंगे सिल्वर को, लेकिन अगर इम्प्योरिटी लेड की है, और पोलिंग में कॉपर का प्यूरिफिकेशन करते हैं अगर इम्प्योरिटी कौन सी हो लेड की। और बेसिमराइजेशन में भी बेटा यूज किया जाता है किसको, कॉपर और लेड को प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आता है थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड, थर्ड है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन में दो हैं, एक है बेटा वॉन एरकल मेथड, या इसको प्रोसेस कहो आप, और सेकेंड है आपका मॉन्स प्रोसेस। वॉन एरकल मेथड में हम क्या करते हैं बेटा टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है जो इम्प्योर मेटल है, जैसे इम्प्योर टाइटेनियम जो होता है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, और ये वोलेटाइल हम बना लेते हैं आयोडाइड, ठीक है। ये क्या होता है वोलेटाइल होता है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करते हैं हम प्योर मेटल प्राप्त कर लेते हैं, और फिर हमें आयोडीन मिल जाता है, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटी है वो आयोडीन से रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, समझ में आया। इससे पहले मैं क्या बताया था बेटा, इससे मैं पहले बताया था कि जब हम क्यूपिलेशन कर रहे थे तो क्यूपिलेशन में प्योर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो इम्प्योरिटी से रिएक्शन कर रही थी। लेकिन वॉन अर्कल प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करती है, प्योर मेटल आयोडीन से रिएक्ट करके वोलेटाइल कंपाउंड बना लेती है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है बेटा मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है, तो इसको यूज करते हैं बेटा निकिल और पैलेडियम के लिए। इसमें क्या करेंगे बेटा, हम निकिल की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है निकिल कार्बोनिल में, टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड में, जो कि क्या होता है वोलेटाइल। ये पहले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर इसको हीट करते हैं तो बेटा हमें निकिल मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें भी बेटा यही कॉन्सेप्ट है, जो इम्प्योरिटी होती है वो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करती। तो ये हो गया मोन्स प्रोसेस। वॉन अर्किल प्रोसेस से जर्कोनियम हाफनियम टाइटेनियम को प्यूरिफाई करेंगे, और मोन्स प्रोसेस से निकिल और पैलेडियम को प्यूरिफाई किया जाता है। अब लास्ट जो आता है बेटा वो आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किसको करेंगे, इसमें बेटा क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है। हम प्योर मेटल का क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, और जो इम्प्योर मेटल होती है उसको, मतलब इम्प्योर मेटल को एनोड बनाते हैं और प्योर मेटल को कैथोड बनाते हैं, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट होके प्योर मेटल की तरफ क्या होता है, डिपॉजिटेड होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम एनोड किसका बनाते हैं, एनोड बनाते हैं बेटा इम्प्योर मेटल का, इम्प्योर मेटल का एनोड बनाते हैं, और जो कैथोड होता है बेटा वो प्योर मेटल का बनता है, ठीक है। और देखो कैसे होता है, हमने क्या किया कि ये लो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया, तो कैसे करते हैं बेटा, देखो इम्प्योर मेटल का हमने क्या बना दिया, ये आपकी इम्प्योर मेटल है, ठीक है, और ये हो गई आपकी प्योर मेटल। अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जो इम्प्योर मेटल होती है बेटा जाहिर सी बात है यहां से क्या होगा, यो प्योर, जैसे मान लो इसको हमने कॉपर की हम कर रहे हैं, तो कॉपर क्या होता है यहां से रिमूव होके यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है, यहाँ कॉपर क्या होता है, ये प्योर कॉपर का होता है और ये होता है इम्प्योर कॉपर, ये इम्प्योर कॉपर है तो यहाँ पे डिपॉजिट होता है, और जैसे जैसे डिपॉजिट होगा तो बेटा इसका कुछ मडी पोर्शन यहाँ पे मिल जाता है हमको, मतलब यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एनोडिक मड, इसको कहते हैं बेटा क्या, एनोडिक मड। और इस एनोडिक मड में कई सो इम्प्योरिटी पाई जाती है, जैसे इस एनोडिक मड में बेटा आपको सिल्वर मिलता है, गोल्ड मिलता है, इसके अलावा बेटा क्या मिलेगा, प्लैटिनम मिलता है, इसके अलावा बेटा टेल्यूरियम, एस्टेटिन, एंटीमनी, सेलेनियम, ये सब इस इंप्योरिटी में होती है एनोडिक मड में, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो ओवरऑल ये चैप्टर बेटा हमारा कंप्लीट होता है। अब आता है बेटा इसमें एक और पॉइंट, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, गिब्स एनर्जी का, जिसको सबसे पहले इलिंगन ने यूज किया था, इसको इलिंगन डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो उसमें क्राइटेरिया क्या होती है, उसमें क्राइटेरिया ये होती है कि देखो वही रिएक्शन फिजिबल होगी जिसमें क्या हो, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए, यही क्राइटेरिया होती है, ठीक है। और मैं बताया था बेटा कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, और लो टेम्परेचर पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल बेटा आपका मेटलर्जी, जो ब्रीफ मैंने बताया है आपको। बेटा अगर आपने तैयारी की होगी तो मेरे ब्रीफ चीजों को आप समझे होंगे, क्योंकि अगर हम मैं ज्यादा इसमें अगर इक्वेशन कराएंगे तो बेटा ऑलरेडी ये 2 घंटे का चैप्टर है, इस वजह से हमने इसको ब्रीफ ले किया है। तो बेटा आज हमने 2 चैप्टर रिवाइज किया, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा चीजें छूट रही हैं, या फिर स्लो रिवीजन है या फास्ट रिवीजन है, तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।